नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की तरफ से एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से अब उठाया जा रहा है। अब किसान आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जहां कल बीजेपी ने उपवास का कार्यक्रम एसवाईएल के मुद्दे पर किया, वहीं अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल करेंगे और 23 दिसंबर को भी, यानी कि किसान दिवस के दिन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि 23 दिसंबर को एक दिन का लोग उपवास रखें किसानों के समर्थन में। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को भी मुफ्त किया जाएगा। तक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जिस तरीके से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है सरकार और किसानों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए एसवाईएल और इन कृषि बिलों के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेताओं ने पूरे प्रदेश भर में उपवास का कार्यक्रम रखा था जी। और जहां पर कई जगहों पर किसानों का उनको विरोध भी सहन करना पड़ा। और फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में किसानों ने जो बीजेपी के कार्यक्रम को अपने कब्जे में लेते हुए उसका विरोध करते हुए उनका स्टेज कब्जा लिया था और उनको ये कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ के एक घंटे के अंदर ही निपटाना पड़ा। तो वहीं अब उसी तरफ कदम बढ़ाते हुए जो किसान है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, जब तक वो 11-11 व्यक्ति किसान सिलसिलेवार जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक वो उपवास रखेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे। और वहीं 23 तारीख को दोपहर उपवास का कार्यक्रम है, उन्होंने अपील की है कि दोपहर का जो एक समय का जो खाना है वो कोई भी अपने देश में ना बनाए ना खाए। तो इन कृषि कानूनों को या किसानों के इस आंदोलन का समर्थन के लिए उन्होंने इस तरह की रूपरेखा तैयार करी है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा है, जो आपने फतेहाबाद का जिक्र किया है वहां पर भी देखा है और इसके अलावा भी और कई जगहों पर भी जो बीजेपी के नेताओं ने जो उपवास का कार्यक्रम किया था एसवाईएल के समर्थन में, उसका विरोध करते हुए किसान जो है वो नजर आए थे। और ऐसे में अब जिस तरीके से एसवाईएल का मुद्दा उठाया जा रहा है और किसानों की तरफ से अगर देखा जाए तो एक बार फिर से इस आंदोलन को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से कहा गया है कि अलग अलग दिन अब उपवास किए जाएंगे, अनशन किए जाएंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो संघर्ष है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है किसानों का। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने संघर्ष पूरा तेज कर दिया है। इधर बीजेपी जो है कि उनके बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि वो किसानों को आंदोलन को नरम करने के लिए या फिर उनको खत्म करवाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं किसानों ने भी अपने जो आंदोलन को तेज कर दिया है सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए। उन्होंने जहां पर भूख हड़ताल या कहीं एक टाइम का उपवास और वहीं 2-3 दिन के लिए टोल टैक्स फिर एक बार दोबारा से ऐलान किया कि टोल टैक्स फिर फ्री करे जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो आंदोलन है ये कड़ा होता जा रहा है और अब जब तक लगता है जिस तरह किसानों का रुख है उससे यही साफ तौर पर ये लगता है कि ना तो किसान झुकने वाले हैं, ना सरकार ने जैसे कहा है कि हम रद्द नहीं करेंगे, इन कानूनों में बदलाव करेंगे, लेकिन किसान जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और जब तक ये आंदोलन चल सकता है जब तक उनकी मांगों को पूर्ण रूप से माना ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, इस मामले में जिस तरीके से हरियाणा के सीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा का जो किसान है वो इस आंदोलन में शामिल ना हो, हरियाणा के किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। और अब एक बार फिर से जो उनका ताज़ा बयान सामने आया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर MSP को खत्म करने की कोशिश भी हुई तो वो राजनीति छोड़ दें। जी बिल्कुल, देखिए कल उन्होंने उनकी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील में उनकी नांगल चौधरी तहसील में उनकी रैली थी जी। उसमें उन्होंने ये अपना बयान दोबारा से दोहराया कि अगर MSP खत्म होगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उससे पहले भी उन्होंने जब ये किसान आंदोलन शुरू होने वाला था उस समय भी MSP को लेकर उन्होंने यही बयान दिया था कि अगर MSP किसान को नहीं मिलेगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जो बात है किसानों की, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका जो मेन जो उनकी मांग है वो ये है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, आगे चल के किसानों को इसका भारी नुकसान होगा और बड़े जो
उद्योगपति हैं या जो उद्योग घराने हैं उनको इसका फायदा होगा, तो इसलिए ये जो कानून है ये रद्द हो जाने चाहिए। वो इस बात पर विश्वास करने को कतई राजी नहीं है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी या इनमें बदलाव किया जाए। वो बदलाव नहीं चाहते, वो इन कृषि कानूनों को ही रद्द करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हरियाणा के जनप्रतिनिधि, चाहे उसमें सीएम ही क्यों ना हो, वो भी अब केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना दबाव फिलहाल हरियाणा सरकार महसूस कर रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए, जितना तेज आंदोलन होता जा रहा है उससे स्वाभाविक है कि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, क्योंकि सभी जो व्यवस्थाएं तो अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसे कि अब सोनीपत में कितना एक लंबा समय से किसानों का डेरा है, तो जो रेवेन्यू की बात करें, उद्योगों की बात करें, तो वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो दबाव रहता है इसमें, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। लेकिन जो किसान है उन्होंने साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया है कि हम जब तक ये कृषि कानून खत्म नहीं होंगे तब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और इस आंदोलन को और तेज करेंगे, नरम नहीं करेंगे। वहीं सरकार की किसानों या विपक्ष की ओर से ये बयान भी आए और आरोप भी लगे हैं कि जो सरकार है वो एसवाईएल का जो मुद्दा ले आई है बीच में, वो किसानों को बांटने के लिए लेके आई है ताकि हरियाणा के जो किसान है वो अपने हक का पानी मांगे पंजाब के किसानों से और ये जो आंदोलन है ये बट जाए। लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं किसानों के, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार मध्य में आए, हमारी बातचीत करवाए, हम आपस में बातचीत करने के इस मसले को निपटा लेंगे, लेकिन ये अभी इस फिलहाल का जो समय है वो इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन है, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो हम आपस में बैठकर निपटा लेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है, पंजाब में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा की जो सीमाएं हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं या दिल्ली की जो सीमाएं हैं, वहां पर किसान डटे हुए हैं, इससे हरियाणा को क्या कुछ नुकसान फिलहाल उठाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो वो बाधित है इस समय, और जो कच्चा माल प्रदेश में आना या जो बना हुआ जो मटेरियल है उसको दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जैसे कि अभी हाल ही में जो बात सामने आई है वो यमुनानगर की है, यमुनानगर में प्लाईवुड जो फैक्ट्री है उसको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना तो वहां पर उनके पास कच्चा माल पहुंच पा रहा है और ना ही जो वो बना हुआ उनकी जो प्लाईवुड है वो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच पा रही है। तो उनका ये कहना है कि पहले तो कोरोना की वजह से जो है हमारे को भारी नुकसान सहन करना पड़ा और वहां अब जो है ये किसान आंदोलन की वजह से, रोड जाम होने की वजह से हमारा जो माल की आवाजाही है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। दूसरी तरफ सोनीपत की बात करें, सोनीपत जो बेल्ट है वहां पर आपने देखा होगा जीटी रोड जो बेल्ट है वहां पर बहुत सारे ढाबा या होटल्स हैं, तो जब रोड पूरी तरह नहीं चल पा रहा और यातायात पूरा बाधित है तो इसमें वो जो ढाबे वाले या जो होटल वाले हैं उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनका भी यही कहना है कि पहले कोरोना ने उनका धंधे को चौपट करा और अब जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये जो व्यापारी वर्ग है वो अब किसानों का विरोध नहीं कर रहा है बल्कि समर्थन कर रहा है और सरकार से ये अपील की जा रही है अभिषेक कि सरकार इनकी मांगों को माने। जी बिल्कुल, देखिए किसान अन्नदाता कहा जाता है और का सहयोग करना सबका दायित्व भी बन जाता है, तो इसी को देखते हुए जो व्यापारी हैं चाहे आम जन है उनके दिल में इनके लिए समर्थन का भाव है, और तो इस वो इनके समर्थन के बारी बारी खबरें आती है या उनका ज्ञापन भी आता है, जो संगठन होते हैं व्यापारी संगठन उनका समर्थन का इनकी देने के लिए ज्ञापन भी है, चाहे वकीलों की बात करें चाहे आम जन की बात करें, हर किसानों के साथ खड़ा हो, क्योंकि भोजन है, किसान है तो भोजन है वाली अपील करते हैं दिखते हैं, तो लगातार जो है वो व्यापारी हो चाहे आम जन हो वो किसानों के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाते दिखते हैं। जी लेकिन इस वक्त अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में अहम भूमिका निभाई जा रही है जेजेपी की तरफ से और निर्दलीय विधायकों की तरफ से, उनका फिलहाल क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन को लेकर? जी देखिए, जेजेपी की पार्टी की बात करें तो पार्टी की ओर से हमेशा यही बयान आया है कि किसान हितैषी पार्टी है और किसानों के साथ वो खड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ऐसा, उप मुख्यमंत्री जो है जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा था कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो सबसे पहले समर्थन वो वापस लेंगे और अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे, ये पार्टी का रुख है। और वही जो निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जो है उन्होंने समर्थन दिया है, उधर से सोमवीर सांगवान है जो उन्होंने किसान आंदोलन को
समर्थन दिया है। इधर तक बलराज कुंडू जो है निर्दलीय विधायक नैम से, उन्होंने तो लंगर तक और उनके किसानों को ठहरने के लिए अपने फार्म हाउस में सुविधा, इस तरह के कई जो कार्य काम है उनकी ओर से किए जा रहे हैं। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से किसानों के समर्थन का ऐलान किया गया है, बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है, पहले इस 2014 से पहले वो कांग्रेस में थे और बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया, उसके बाद उनकी जो वाइफ है उनको उचाणा से टिकट दी गई और वो विधायक के तौर पर विधानसभा में पहुंची, और उनके जो बेटे हैं वो आईएएस के पद से इस्तीफा देने के बाद वो हिसार लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, तो अभी भी वो बीजेपी में है जी। उनकी चाहे धर्मपत्नी की बात करें, चाहे बेटे की बात करें, चाहे खुद की, लेकिन उन्होंने जो अब झंडा बुलंद किया है वो किसानों के हक में बुलंद किया है और किसानों के हक की बात करी है उन्होंने, तो बीजेपी के लिए लाजमी है कि एक बीजेपी में रहते हुए एक उनका बड़ा कदावर नेता जी तरह के किसान आंदोलन का समर्थन करे, तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इसमें घिरती हुई जरूर दिखती है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और हरियाणा में अब सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एसवाईएल का मुद्दा उठाया गया है, और अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों ने अब ऐलान कर दिया है भूख हड़ताल का। तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं, उसी के सिर्फ तो सिर्फ एक अडानी और अवानी चाहिए, उसी को जनता नहीं चाहिए, उसी को पैसा मिला है, पैसे के नशे में भी उसे घूमता है, किसान मरते हैं मरे जाए, अब तक 40 किसान मर गए, किसान तो सारा भी मरेगा तब भी वापस नहीं जाएगा, ये कानून वापस करके ही जाएंगे, और इसी की आंख तब खुलेगी जब गद्दी से नीचे गिरेगा तो गिराएंगे। जो फार्मर्स हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए आज भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, पिछली बार भी भूख हड़ताल किया था, आज भी करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे? अभी तो भूख हड़ताल रखेंगे, बाद में मरण व्रत रखेंगे, मरने तक नहीं खाएंगे, तो तब इसी की आंख खुलेगी। हाँ जी मैडम जी, मकेरियां तो आए हैं, मकेरियां तो आए हैं जी, प्रधानमंत्री साहब कहते मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार है सानू तो इतने हूँ पता लगा जो किसान मोर्चा लगा भी वाकई चौकीदार है जो प्रधानमंत्री, इसलिए अडानी वानी वर्गे बने पे ने, और असं एक गल फकर ना कहने हैं, असं दिल्ली जित के जाना जा साड़िया लाशा जाएगियां जी खुशी ने जित के भंगड़े पाते जावे पंजाब के, असी सत्कार जो प्रधानमंत्री साहब अजे भी बेनती करते हैं कि तिने कानून तू अपने आप जनता जी आ जनता के नो मतलब चौकीदार कहें भी चौकीदार बने हैं, तो इतने आके तिने कानून जड़े रद्द कर, उन्हें चर अं वापस नहीं जाना, भावें इतने 2 साल लगन, 5 साल लगन, लंगर बड़ा गुरु महाराज कृपा बाबे नानक का, असी पंजाबी लोग जिन्हें ने 90% कुर्बानियां दित्तियां, सानू हरियाणे वाले नू कदी पानी का मुद्दा बना के, पर साडे भरावां ने साडा बड़ा मान रखिया, अज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जिन्हें भी है पूरा देश जिहड़ा हैगा मोदी ने इकट्ठा कर दिता, मैं तो इहदा धन्नवाद भी करदा मोदी साहब दा इस गल्लों कि सारा किसान समुचा बच्चे बच्चे की जबान से तीन कानून जिहड़े रद्द नहीं होने, उन चर वापस नहीं जाना। किसानों के बीच में फिर से सरकार ने बोला है कि अगर बात करना चाहते हैं हम तैयार हैं आके बात करेंगे, कैसे देखते हैं? असी मैडम असी कदों क्या भी बात नहीं करनी, असी तो पहले तैयार हैं, बुला ही थे बुलाउंदा ही नहीं, जे बुलाउंगे तो अं जरूर जावे मीटिंग, किसान आगुआ ने साडे ने कोई ना नुकर नहीं की, जदों सदन गए असी जाण नू तैयार हैं, साडे नौजवानों में जोश भी बहुत है तो होश भी पूरी है, शांतिपूर्व मोर्चा जिहड़ा इत्थे भावें 2 साल लगन अं जित के जाना इतों उदा नहीं जाना। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान सभी प्रदर्शन स्थलों पर राज्य से भूख हड़ताल कर रहे हैं, और दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 26वां दिन है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ने यह कहा है कि हरियाणा के किसान 25 से 27 दिसंबर तक टोल नहीं देंगे। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा है, जिसमें किसानों ने विपक्ष के गुमराह करने के आरोपों को लेकर के नाराजगी जताई है। यह खत
प्रधानमंत्री के आरोपों और कृषि मंत्री की चिट्ठी के जवाब में लिखा गया है, किसान नेता ने यह कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करेंगे अगले हफ्ते तो इस दौरान सभी लोग थाली बजाएं। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, MSP पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसके अलावा 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आपसे कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण ना करें और किसान आंदोलन को याद करें। इस तरीके की अपील किसानों की तरफ से की जा रही है। आज किसानों का भूख हड़ताल का दिन है। कल अपने शहीदों को याद किया किसानों ने। ये उनके लिए अब जनता का आंख खुल गई है। ये सोच रहे हैं वे नहीं, उनको हटाना भी है कुर्सी से। ऐसे कुत्ता हमें नहीं चाहिए, ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए कि जो देश की चौकीदारी का नाम लेकर के जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है। सब जनता को मालूम हो गया है। मोदी विश्व दिन है भूख हड़ताल पर। आज किसान लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान, और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को लेकर के आप किसानों की तरफ से ये अपील की गई है। आगे और लड़ाई है, नहीं डरेंगे भुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। खत्म हो गया है, इसके साथ मांग की उसकी कुर्सी हटे, राष्ट्रपति को इसको बर्खास्त करे जल्द से जल्द, और इनकी मांगों को पूरा कराए और इलेक्शन कराए, तब तो देश चलेगा, नहीं तो संघर्ष चलेगा। बिना ये मारे नहीं जाने वाले हैं भाई। कहते हैं कि सीधी अंगुली डाल करके घी भी निकालो, वो भी नहीं निकलता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तुम यहाँ पर बैठे बैठे मर जाओगे, उनको कुत्तों को क्या फर्क पड़ेगा, बताओ कि यही फर्क पड़ेगा। गुजरात में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अभी एक जो कुत्ता मर जाए तो तुरंत श्रद्धांजलि अमृत करेंगे, 4 दिन के लिए मौन पर वो करेंगे। किसान मर रहा था, कहीं कुछ नहीं। तो जवानों ये कुत्ते तो हैं, कटेंगे ये हाथ से लेके। अरे बच्चे ऐसे नहीं, पहले तो ये आज भूख हड़ताल किसानों की, और किसानों की तरफ से ये अपील की गई है कि जो भी लोग किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, जो भी किसानों की थोड़ी चिंता करते हैं, वो लोग 23 तारीख को, क्योंकि किसान दिवस मनाया जाता है उस दिन, एक वक्त का भोजन ना बनाएं, ना खाएं। और ऐसे में अब ये किसान आंदोलन और भी ज़्यादा तेज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से BJP की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों को मनाया जाए, किसान आंदोलन को ख़त्म करवाया जाए और ये कानून भी लागू रहे, ऐसे में अब बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि किसान इस वजह से और भी ज़्यादा अपना संघर्ष जो है वो तेज करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सामने ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि सरकार किसानों की इस मांग पर राजी होती हुई नज़र आए। और वहीं सरकार की तरफ से अब एक बार फिर से निमंत्रण भेजा गया है किसानों को बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत की तारीख और जगह के बारे में किसानों पर ही फैसला छोड़ दिया गया है। अगर बात की जाए तो इस किसान आंदोलन की वजह से अब तक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, और अब ऐसे में किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह नाराजगी जाहिर की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, वो अब किसानों की मौत पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, ये किसान आंदोलन अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसान अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन को, अपने संघर्ष को और भी ज़्यादा तेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब ऐसे में भूख हड़ताल और उसके बाद के जो आगे के कार्यक्रम हैं, वो एक हफ्ते का जो कार्यक्रम है, वो उसकी रणनीति तैयार की जा चुकी है किसान यूनियनों की तरफ से। और इस तरीके से ये कहा गया है कि आज से भूख हड़ताल अलग अलग जगहों पर, जहां भी धरने लगे हुए हैं किसानों के, वहां पर 11-11 किसान बैठेंगे, और इसके अलावा भूख हड़ताल आज की जाएगी, और
23 तारीख को भी सभी देशवासियों से ये अपील की गई है कि वो एक वक्त का भोजन जो है वो ना करें। और इसके अलावा हरियाणा में किसानों की तरफ से 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने का भी ऐलान किया गया है। चलिए वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोमालियन लुटेरों के चुंगल में फंसे जिस जहाज को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आजाद करवाया था, उस वक्त उसी जहाज का जाबाज क्वार्टर मास्टर 16 दिनों से अब लापता है। वो प्रशांत महासागर के समुद्र के रास्ते जहाज से अमेरिका जा रहा था, बीच समुद्र में अचानक से वो लापता हो गया। परिवार वालों ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अब गुहार लगाई है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत 27 वर्षीय अरविंद तिवारी के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और पिता का इकलौता बेटा मुंबई की एलिगेंट फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी में बतौर क्वार्टर मास्टर के रूप में काम करता था। अरविंद जलपोत से अमेरिका गया था, जहां पर पनामा फ्लैग के जलपोत के साथ प्रशांत महासागर में सफर के दौरान 3 दिसंबर को टेक्सास में आर्थर पोर्ट के समीप काम करने के दौरान अचानक से वो समुद्र में गिर गया, जिसकी सूचना एलिगेंट फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी ने महज एक खत के माध्यम से परिवार को दी है। और खत में ये कहा गया है कि पोर्ट पर पहुंचने से पहले लैडर रिगिंग प्रक्रिया के दौरान समुद्र में उफनती हुई ऊंची लहरों की चपेट में आने से अरविंद समुद्र में गिर गया, जिसकी तलाश अब की जा रही है। अरविंद के परिवार वालों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। यह ट्वीट जिसमें भारत सरकार से ये अपील की गई है, विदेश मंत्री को खत भी लिखा गया है और ये मांग की गई है कि जो उनका बेटा था उसको बचाया जाए, उसको वापस किसी भी हालत में लेकर के आया जाए। इस तरीके से इस बारे में यह जानकारी दी गई है कि जो अरविंद नाम का जो कर्मचारी था वो समुद्र में गिर गया है और अब वो लापता है, तो ऐसे में उसको ढूंढने के लिए ये मांग प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से की गई है परिजनों की तरफ से। इकलौता बेटा था, जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए, कई साल पहले की बात है, जब सोमालियन लुटेरों के चंगुल में एक जहाज फंस गया था, उसको तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने छुड़वाया था। उसी में उस वक्त भी ये कर्मचारी था जब बंदी इन्हें बनाया गया था, उस वक्त छूट गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से अब ये मुसीबत आन पड़ी है। अब वो लापता हो गए हैं क्योंकि वो समुद्र में गिर गए थे। समुद्र की एक जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचने ही वाला था, वहाँ पर कुछ प्रक्रिया चल रही थी, उसके दौरान वो समुद्र में गिर गए और अब तक लापता है। अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कंपनी की तरफ से एक पत्र ज़रूर लिखा गया है परिजनों को, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि वो लापता है और उनको ढूंढने का जो काम है वो किया जा रहा है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, परिजनों की तरफ से क्या कुछ आरोप कंपनी पर लगाए जा रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 3 दिसंबर को अरविंद तिवारी नाम का जो शख्स है वो एजेंट कंपनी में बतौर जो है क्वार्टर रूम मास्टर के तौर पर काम कर रहा था। 3 दिसंबर को जब वो शख्स जो है मुंबई से अमेरिका के लिए जा रहा था, उस दौरान जो है इस समुद्र में उसकी गिरकर मौत हो गई है। हालांकि ये परिवार का आरोप है और एलिजेंट कंपनी ने भी एक खत के द्वारा उनके परिवार को बताया है कि अरविंद तिवारी जो है काम के दौरान अचानक समुद्र की तूफान के दौरान वो गिर गए और उनकी खोज जारी है। ऐसे में परिवार करीब आज 18 दिन से उनकी इंतजार में बैठा है, उनका इंतजार कर रहा है कि अरविंद कब घर आएंगे। ऐसे में जिस तरह से परिवार का आरोप है कि जो कंपनी है या जिस शिप में वो मौजूद थे उस शिप के द्वारा तमाम जो एहतियातन जो मुहैया करवाई जानी चाहिए सुविधाएं वो नदारद थी, इसकी वजह से अरविंद की मौत हुई। जी, कितनी तारीख को इस बात की जानकारी परिजनों को मिली थी कि उनका बेटा अब गायब हो गया है, तलाश उसकी की जा रही है? देखिए, पूरी घटना है 3 दिसंबर 2020 की है। 3 दिसंबर को ही एक खत के द्वारा सबसे पहले उनके परिवार को अवगत कराया, उसके बाद टेलीफोनिक बात हुई थी कि अरविंद जो है काम के दौरान अचानक समुद्र में गिर गया, तलाश हमारी जारी है। उसके बाद परिवार लगातार एक के बाद एक जो है ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद विदेश मंत्री को
उनकी मदद की जाए, लेकिन करीब 18 दिन होने के बावजूद अब तक मदद के तौर पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हालांकि कंपनी में भी अब हाथ उठा दिया, कंपनी साफ तौर पर कर रही कि हमारी पूरी कोशिश के दौरान भी अरविंद अभी तक नहीं मिले हैं, हालांकि कोशिश जारी इस तरह की बात कर रही है। क्या कंपनी अभी परिजनों के संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में जरूर है, लेकिन किसी तरह का जो मदद की बात जो है वो अभी तक कंपनी ने उठाया नहीं है, न तो कुछ एहतियातन जो है उनको आश्वासन दे रही कि नहीं अरविंद की खोज कैसी। हालांकि अब तो परिवार को ये एक ही उम्मीद रह गई कि कम से कम अरविंद का जो डेड बॉडी है वो तो मिलना चाहिए। जी, अरविंद की डेड बॉडी के लिए जिस तरीके से लगातार ये गुहार लगाई जा रही है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को, क्या ऐसे में कोई जनप्रतिनिधि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन दिया गया हो परिजनों को? देखिए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी पत्र देकर या टेलीफोनिक या पर्सनल मिलकर भी इस तरह की उन लोगों ने जो है मदद की गुहार लगाई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के तौर पर अभी तक मिला, पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या। लेकिन जिस तरह से एक इंटरव्यू में उनकी बहन साफ तौर पर कह रही है कि पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही है, क्योंकि कंपनी अगर अरविंद को तमाम सुरक्षा मुहैया करवाती तो शायद अरविंद समुद्र में नहीं गिरते। हालांकि एक तरह का हुक होता है जो उसमें रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी को अगर बांधे रहते तो अरविंद समुद्र में नहीं गिरते, इस तरह का आरोप है। ऐसे आरोप को चलते जो है अब अरविंद का परिवार जो है उनके कंपनी के ऊपर भी जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। और जिस तरीके से ये जो युवक, ये जो कर्मचारी अब गायब हुआ है, उसके लिए परिजनों की तरफ से विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को गुहार लगाई जा रही है कि कम से कम अपने बेटे का शरीर, जो मृतक शरीर है, वो उनको अब मिल जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।